A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English question paper of 2017, and it is set 20 today. And all the sets have been taken from Ajay Kumar Singh's book. Question number one is, let's resolve to break free at the prejudice we build up in our minds. यहाँ कहा जा रहा है, आइए जो पक्षपात हम अपने मस्तिष्क में उपजा लेते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं, उससे मुक्त हो जाएं, रिजोल्व करें, संकल्प लें उससे मुक्त होने का. तो टू ब्रेक फ्री फ्रॉम होता है, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम से मुक्त होना. अब यहां एक और शब्द है रिजॉल्व, ठान लेना या संकल्प लेना. इसी रिजॉल्व का नाउन रेजोल्यूशन होता है और एजेक्टिव रेजोल्यूट होता है. रिजॉल्व्ड भी टू भी थ्री का काम करता है. तो वन का आंसर भी होगा, ऐसे भी फ्री के साथ फ्रॉम लगता है. प्रेजुडिस मीन्स पक्षपात होता है, पूर्वाग्रह होता है, पक्षपात और पूर्वाग्रह. तो वन का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर टू, फ्लाइंग अबव ओशंस इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी. ओशन के ऊपर फ्लाई करना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी के चैलेंजेज में से एक है. तो फ्लाइंग अबव ओशंस के बदले फ्लाइंग ओवर ओशंस होगा. जहां पोजीशन से ऊपर को व्यक्त करना हो वहां हम ओवर का यूज करते हैं. ओवर द सीज, ओवर द रिवर, ओवर द ओशन का आप यूज करें. आंसर टू का ए होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश सी इनवाइटेड मी, I would have gone to the meeting. Sentences of hypothesis, sentences of supposition, आपने use of would के अंतर्गत पढ़ा होगा और वही रूल यहां आपको काम आने वाला है इसे सॉल्व करने में. आप इस पार्ट में would have देख रहे हैं तो इस पार्ट में had भीतरी चाहिए. यहां भीतरी पहले से है यानी had चाहिए. आंसर डी होगा. अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, If she had invited me, had को पहले कर देने से क्या हुआ? ग्रामर का कौन सा रूल यहां काम किया कि हम had को पहले कर दिए? आप कमेंट करके बताएंगे कि यहां ग्रामर का कौन सा रूल काम कर रहा है जिसके कारण हमें had को पहले लिखना पड़ रहा है जबकि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है. कमेंट करके बताएं आप लोग. क्वेश्चन नंबर फोर, शी प्रेड दैट हर सिस्टर डैश सेफली. सब्जेक्ट शी के बाद आप प्रेड देख रहे हैं, दैट से इसे कनेक्ट किया जा रहा है. तो प्रेड विस्ड, ब्लेस्ड और कर्स्ड के बाद में जब दैट कनेक्टर के रूप में यूज होता है तो वर्ब माइट निश्चित तौर पर यूज होता है. ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां प्रेड है. अगर यहां प्रेज होता तो हम मे का यूज करते, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि ब्लेस, विस, प्रे और कर्स को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करें. अब यह सेंटेंस पास्ट में है इसलिए मे के जगह माइट हो जाएगा, यानी माइट अराइव. शी प्रेड दैट हर सिस्टर माइट अराइव सेफली. फोर का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर फाइव, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट शब्द के लिए यहां ऑप्शंस हैं प्रेज, कमेंट, अपलॉड और कैरेक्टरिस्टिक. एट्रीब्यूट शब्द दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है. एट्रीब्यूट मींस गुण होता है और एट्रीब्यूट मींस श्रेय देना होता है.
एट्रीब्यूट का प्रयोग जब हम गुण के रूप में करते हैं, इसका सिनोनिम कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका सिनोनिम फीचर भी होता है, और जब हम श्रेय देना के अर्थ में यूज करते हैं, क्रेडिट या एक्रेडिट होता है, क्रेडिट या एक्रेडिट। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, कमेंड मीन्स प्रशंसा करना, और अपलॉड मीन्स प्रशंसा करना, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करना, लाउड मीन्स प्रशंसा करना, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स गुण। यानी स्पष्ट है कि 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ज्यूडिशस। ज्यूडिशस अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, कॉशस, हैस्टी, अनवाइज और रेकलेस। ज्यूडिशस मीन्स होता है विवेकी, विवेक के आधार पर किया गया, ज्यूडिशस कहलाता है। ज्यूडिशस सेलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी किताबों का ऐसा सेलेक्शन जो विवेक के आधार पर किया गया हो। इसका एंटोनिम होता है अनवाइज या रेकलेस। अनवाइज और रेकलेस इसके एंटोनिम होंगे। कॉशस मीन्स होता है सचेत। हैस्टी मीन्स होता है जल्दबाजी का। हैस्टी मीन्स जल्दबाजी का। अब ज्यूडिशस में कॉशस के अलावे हैस्टी, अनवाइज और रेकलेस, ये तो नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, तो यहां हम कॉशस ही सेलेक्ट करेंगे। 6 का आंसर है। रेकलेस मीन्स होता है वह जो बिना सोचे विचारे कर दिया जाए, अंधाधुंध तरीके से कर दिया जाए, विवेक का जिसमें इस्तेमाल ना हो, उसे हम रेकलेस और रैश कहते हैं। रेकलेस का सिनोनिम रैश भी होता है, तो ज्यूडिशस का एंटोनिम रैश भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, शब्द है इंस्पायर। ऑप्शन नंबर ए में डिस्करेज, बी में डिसवेड, सी में डेमोराइज और डी में एनिमेट। इंस्पायर प्रेरणा देना। आप सभी इंस्पायर का नाउन बना दें और कमेंट करें। डिस्करेज हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। डिसवेड दूर हटाना या हतोत्साहित करना। डिमोरलाइज मान मर्दन करना, मान मर्दन करना, अपमानित करना, इंसल्ट करना, डिमोरलाइज करना, और एनिमेट शब्द है एनिमेट। एनिमेट मीन्स उत्साह बढ़ाना, और एनिमेट मीन्स प्राण डालना भी होता है, प्राण डालना। तो 7 का आंसर एनिमेट होगा। ए, बी और सी ये तीनों नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिज्यूम। रिज्यूम, रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना। अपोजिट वर्ड इस बार बताना है आपको। 8 से 10 में अपोजिट आएंगे शब्द। रिज्यूम यानी किसी काम को जिसे हम कंटिन्यू किए हुए हैं, छोड़ दिए, बंद कर दिए, अब पुनः जारी कर रहे हैं, तो वहां हम रिज्यूम का यूज करते हैं। फिनिश समाप्त करना, फिनिश समाप्त करना। बायोग्राफी जीवनी, समरी सारांश,
और रिव्यू पुनर विचार करना, पुनर्विचार करना। तो रिज्यूम के लिए हम सेलेक्ट करेंगे फिनिश को, एट का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है मीडियोक, मीडियोक औसत दर्जे का, इसका अर्थ होता है औसत दर्जे का, औसत दर्जे का, कॉमन, साधारण, डिसेंट, सुंदर, बढ़िया, आकर्षक, मॉडरेट, शालीन या औसत दर्जे का, बीच का, एक्सेप्शनल, विलक्षण या अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनल एबिलिटी यानी ऐसी एबिलिटी जो सामान्य तौर पर न हो किसी के अंदर। तो मीडियो का यानी मध्यम स्तर का, बीच स्तर का, औसत दर्जे का, इसका एंटोनिम होता है एक्सेप्शनल यानी सामान्य से बहुत हट करके, सामान्य से बहुत अलग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है असत्याभास। विरोधाभास, असत्याभास या विरोधाभास, मिस्टेक मीन्स गलती, एरर, त्रुटि, एनोमली, विसंगति, असंगति और इविडेंस, सबूत। अब विरोधाभास यानी जो कहा जा रहा है वो उसकी स्पष्टता नहीं है, प्रमाणिक वह नहीं है यानी उसके अंदर पैराडॉक्स है, इविडेंस है यानी उसका सबूत है, प्रमाण है। तो 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑयली टोंग। ऑयली टोंग का अर्थ होता है चापलूस। अब इसका प्रयोग चापलूसी के अर्थ में भी होता है। ही इज अ मैन ऑफ ऑयली टोंग, वह चापलूस व्यक्ति है। और ऑयली टोंग मीन्स चापलूसी भी होता है। हिडन एनिमी, फूलिश, टॉक प्लेनली और फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, इसका सिनोनिम होता है साइको फैंसी, साइको फैंसी। क्वेश्चन नंबर 12, हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का आप लोग आंसर दें। हैंड इन ग्लोव का अर्थ होता है मिली भगत। इन क्लोज एसोसिएशन, सीक्रेट, अटेम्प्ट टू डिसीव और फॉल्स प्रेज, मिली भगत यानी इन क्लोज एसोसिएशन। 12 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रॉलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। इसमें आपको इंप्रूव करना है। ए रॉलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, यह एक कहावत है। और अगर आपको कहावत नहीं भी मालूम है, गैदर वर्ब है, ए रॉलिंग स्टोन सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए यानी गैदर्स होगा। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस यानी वह पत्थर जो लुढ़कता है उसमें काई नहीं लगता। यानी गतिशीलता महत्वपूर्ण होती है। अगर आप गतिशील नहीं होंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे, तो आप में भी शिथिलता रूपी काई आपको बर्बाद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 14,
ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड नो मोर। जब आप नॉट का यूज यहां देख रहे हैं तो नॉट और नो क्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नॉट नो नहीं, नॉट एनी का यूज होता है, यानी हम लिखेंगे एनी मोर। ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड एनी मोर। 14 का नॉट के साथ एनी का यूज करें, नॉट के साथ नो का नहीं। अगला क्वेश्चन, ए हेटर ऑफ विमेन, स्त्री द्वेषी, स्त्रियों से द्वेष रखने वाला, तो निहिलिस्ट। निहिलिस्ट मीन्स होता है विनाशवादी, अराजकतावादी भी कहते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा अर्थ विनाशवादी है। वह जो संपूर्ण विनाश चाहता हो उसे हम निहिलिस्ट कहते हैं, और ऐसी मान्यता निहिलिज्म है। मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेषी, स्त्री से द्वेष करने वाला। ज्यूरिस्ट और फेमिनिस्ट, ज्यूरिस्ट यानी वन हु इज इन ज्यूरी, जिसे आप पंच कह सकते हैं। फेमिनिस्ट, स्त्रीवादी, स्त्रियों के पक्ष को साहित्यिक पटल पर रखने वाला फेमिनिस्ट कहलाता है। तो हेटर ऑफ विमेन को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। गाइनी शब्द का अर्थ होता है, गाइनी मीन्स होता है वुमन, और मिसो नेगेटिव प्रेफिक्स है, स्त्री द्वेषी हो जाएगा। अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश के विरुद्ध कार्य करता है। ए में टेररिस्ट है, बी में ड्रगिस्ट है, सी में कवैलरी है, और डी में ट्रेटर है। तो टेररिस्ट मीन्स होता है आतंकवादी। ड्रगिस्ट दवा विक्रेता। कवैलरी अश्वरोही सेना, और ट्रेटर गद्दार, जो देश विरोधी, राज्य विरोधी, कुल विरोधी कार्य करे उसे हम ट्रेटर कहते हैं, गद्दार। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द रूटीन है और आपको स्पेलिंग करेक्ट सेलेक्ट करना है। रूटीन आंसर ए होगा। हिंदी में इसे हम दिनचर्या कहते हैं। परमानेंट, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। परमानेंट स्थाई, परमानेंट का एंटोनिम कमेंट कर दें आप लोग, कमेंट में आप लोग परमानेंट का एंटोनिम लिख दें जल्दी। अब आपके सामने क्वेश्चन है अरेंजमेंट से, द भगवद गीता। अब भगवद गीता किसी आदमी की नहीं है कि पी से शुरू कर दें, पी से शुरू होगा ही नहीं, दो ऑप्शन तो गायब। द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। भगवद गीता मनुष्य की आवश्यकता और मनुष्य के प्रकृति को रिकॉग्नाइज करती है। भगवद गीता, द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन, यानी आंसर होगा QPR। QPR तो 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू रेस्पेक्ट ए मैन एज ए मैन। तो जैसे है वैसे ही सब सच जा रहा है ना। मस्ट के बाद बी लगेगा ही, इन ए पोजिशन के बाद टू लगेगा ही, ए के बाद नाउन चाहिए तो यहां मैन है, यानी PQR आंसर होगा। PQR सी में है। वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू रेस्पेक्ट ए मैन एज ए मैन। हम अवश्य ही इस पोजिशन में हो कि किसी आदमी को आदमी की तरह रेस्पेक्ट दें। 21 से 25 आपके सामने क्लोज टेस्ट है। द डैश ऑफ हरप्पा एंड
Indus Valley in India is believed to be less than 4,000 years old. The society of, the civilization of, the community of, or the colony of. तो हरप्पा और सिंधु घाटी क्या होगा, क्या पढ़े हैं आप? सिंधु घाटी सभ्यता, हरप्पा संस्कृति यानी सभ्यता संस्कृति, तो शब्द क्या होगा? सिविलाइजेशन, यानी 21 का आंसर सी होगा. कम्युनिटी समुदाय होता है, कॉलोनी मुहल्ला होता है या उपनिवेश होता है. हाँ, इज बिलीव टू बी, माना जाता है कि डैश देन 4000 ईयर्स ओल्ड, माना जाता है कि यह 4000 ईयर्स ओल्ड से भी अधिक पुराना है. तो क्या लगाएं देन के पहले? मोर, अराउंड, समवेयर, क्लियरर. तो से अधिक का सेंस है, इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे मोर को, यानी 22 का आंसर ए होगा. 23 आपके सामने. द ऋग वैदिक पीरियड स्टार्टेड एट अराउंड 700 बीसी. ऋग वैदिक काल की शुरुआत 1700 बीसी बिफोर क्राइस्ट, लगभग अराउंड है, लगभग 1700 ईसा पूर्व पहले हुई थी. इंडिया वॉज हाईली सिविलाइज्ड एंड वेल डैश बाई 500 बीसी. भारत 500 बीसी तक हाईली सिविलाइज्ड और वेल डैश था, वेल डिवेलपिंग था, वेल डेकोरेटेड था, वेल डिवेलप्ड था और वेल डेकोरेटिंग था. तो वेल डिवेलप्ड था, यानी आज हम उतने विकसित नहीं है जितना हम बहुत पहले विकसित थे. वेल डिवेलप्ड थे हम सभी लोग, आज तो अभी हम डिवेलपिंग स्टेट में हैं. 23 का आंसर भी होगा. 24. इंडिया डैश ए गोल्डन पीरियड अंडर गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग 320 एडी. इंडिया एक गोल्डन पीरियड को डैश किया गुप्त साम्राज्य के कंट्रोल में, जब यह था, जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तब की बात है, और वह समय 320 एडी है. तो पास्ट की बात चूंकि हो रही है, इसलिए जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो V2 होना चाहिए, V3 नहीं, यानी सीन नहीं होगा. कॉन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, मान लेना, स्वीकार करना, मान लेना, खास करके गलती, कोई अपराध, इस तरह की चीज के लिए हम कॉन्फेस का प्रयोग करते हैं. ऑपरेटेड किसी मशीन इत्यादि को चलाने के लिए, जैसे मोबाइल को ऑपरेट करना, किसी सिस्टम को ऑपरेट करना, यानी यहां होगा विटनेस्ड. विटनेस मीन्स सबूत होता है. विटनेस जब वर्ब का काम, एविडेंस मीन्स सबूत होता है, विटनेस मीन्स गवाह होता है. विटनेस वर्ब के रूप में गवाही देना भी होता है, और विटनेस मीन्स होता है देखना. आई विटनेस्ड इट, मैंने इसे देखा था. तो भारत ने देखा है इस चीज को. 320 एडी में गुप्त साम्राज्य के तहत यह गोल्डन पीरियड था और भारत इसे विटनेस किया, हम सभी ने इसे विटनेस किया. तो आंसर डी होगा. द दिल्ली सल्तनत रूल्ड फ्रॉम 2006 टू 1506. दिल्ली सल्तनत सत्ता 1206 से 1506 तक कायम रखा. द मुगल पीरियड वॉज डैश 1526 टू 1857. मुगल पीरियड भारत में 1526 से लेकर 1857 तक था. तो 2 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठता है? 2 के साथ फ्रॉम का. और यह भी तो कह रहा है ना, फ्रॉम 2 जब यहां है तो यहां भी फ्रॉम 2 ही होगा, यानी 25 का आंसर भी. तो हम लोग कंप्लीट कर लिए सेट 20 को. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अजय कुमार सिंह की जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है, एसएससी फॉर सीरियल, सीएचएसएल एंड एमटीएस, मैं उस पुस्तक को एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप सभी का सपोर्ट काफी मिल रहा है, थोड़ा और सपोर्ट मिले इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं जिन्हें आप देखें. ओके, थैंक यू सो मच.